छपरा सदर प्रखंड में पठन पाठन को लेकर सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं ने किया हंगामा। छपरा सदर प्रखंड के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मखदूमगंज स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बच्चों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बच्चों ने बताया कि प्रचार शिक्षकों की हाजिरी बनाकर उन्हें छोड़ देते हैं और बच्चों को बता देते हैं कि स्कूल आज नहीं चलेगा और खुद भी कुछ समय बिताने के बाद घर चले जाते हैं। यह शिथिलता काफ़ी लंबे समय से चल रही, जिससे बच्चे नाराज होकर के बगावत किया और प्रदर्शन किया। बच्चों ने बताया कि जब भी कोई बच्चा इस संबंध में आवाज़ उठाता है तो प्रचार और शिक्षक उसके मार पीट कर दबा धमका देते हैं, जबकि जब मीडिया को इसकी सूचना मिली तो मामले का उजागर हुआ। धोड़ीगंज से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। सर जी लोग पढ़ाई भी नहीं होता है, रूटीन का भी पढ़ाई नहीं होता है और एक ही घंटे पढ़ा कर बस रुक जाता है। वो राकेश सर और मैंने की बात तो खाना भी नहीं खाता है, एक भी बार नहीं आती है। आती है तो बस मोबाइल टिकती रहती है, एक बार पढ़ाएंगे और लड़का जैसे भी पढ़ना है उसे पढ़ने दीजिए। अरे राम सर कभी भी आता ही नहीं, क्लास में घूमना चाहिए ना कि सर जी पढ़ाई होता है कि नहीं। और हम लोग के सामने सब सर जी मोबाइल चलाते रहते हैं। क्या नाम हुआ, पड़ा पड़े बोलिए। नितेश कुमार। हाँ वो कर रहा है, काहे कर रहा है, काहे कर रहा है तुम? क्या प्रॉब्लम है आपका सर? पढ़ाई नहीं होता है इसमें शुद्ध से। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनोरा जी। कह रहे हैं कि सीनियर क्लास का स्कूल कई दिनों से नहीं चला, सर का क्या काम? सर ऐसा बात है कि ये सिस्टम चुनाव नहीं हुआ, बच्चे परिभ्रमण के लिए बेचैन है। जब ये सिस्टम का चुनाव हो जाएगा परिभ्रमण में ले जाएंगे, और इधर विद्यालय में फल पंखा उंखा लगा था जो बच्चे ने तोड़ ताड़ दिया, इसी चलते मैंने विद्यालय कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। पढ़ाई नहीं हो रहा है इस पर? इस नहीं, पढ़ाई सब क्लास में होता है, ऐसा बात नहीं है, पढ़ाई सब क्लास में होता है।